37th क्वेश्चन क्या कहता है ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 37th क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ रुपीज 470 रिसीव फ्रॉम गंगा गंगा से मिला है ठीक है जी यदि हमें कैश मिला है तो हम क्या करेंगे हम बोलेंगे कैश डेबिट टू गंगा कितना मिला है 470 ठीक है जी पोस्टेड टू हर डेबिट ओहो गलती से हमने गंगा को क्या कर दिया हमने गंगा को डेबिट कर दिया वो भी कितने से 740 से भाई साहब गंगा को होना क्या चाहिए था 470 से क्रेडिट होना चाहिए था गलती से हमने 740 से क्या कर दिया डेबिट तो अब हमें क्या करना पड़ेगा अब हमें गंगा को गंगा अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद रुपीज 1210 रुपए से कैसे 470 प्लस 470 और से और 740 से हो जाएगा तो गंगा का अकाउंट 1210 रुपए से क्या हो जाएगा बेटा क्रेडिट हो जाएगा दैट्स इट सिंपल है अ डेबिट बैलेंस ऑफ 550 इन अ पर्सनल अकाउंट ऑफ जॉन वाज अंडरकास्ट जॉन जिसको डेबिट होना चाहिए था 550 रुपए से वो कम डेबिट हुआ है तो क्या लिख देंगे सीधा लिख देंगे जॉन अकाउंट विल बी डेबिटेड विद रुपीज 550 खत्म जी सेकेंड पॉइंट खत्म हो गया सिंपल सा पॉइंट था ये बिल रिसीवेबल फ्रॉम ब्राउन 3000 एक बीआर मिला है पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बीपी अकाउंट एंड क्रेडिटेड द ब्राउन अकाउंट हमें ब्राउन से एक बीआर मिला है तो हम क्या लिखेंगे बीआर टू ब्राउन 3000 रुपए यही एंट्री होगी ना बीआर टू ब्राउन हर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बीपी अकाउंट गलती से हमने किसको क्रेडिट कर दिया बीपी को और क्या करा आगे वो कह रहा है एंड क्रेडिट टू द ब्राउन अकाउंट ब्राउन को क्रेडिट कर दिया किसको क्रेडिट कर दिया टू ब्राउन 3000 सर एक बात समझो ब्राउन को क्रेडिट करना था ब्राउन को क्रेडिट कर भी दिया दैट्स इट डेबिट किसको करना था बीआर को जो कि नहीं हुआ और बीपी गलती से क्रेडिट हो गया तो मैं लिख देता हूं बीआर एंड बीपी बोथ अकाउंट्स विल बी डेबिटेड विद रुपीज 3000 ईच इंग्लिश में लिख दिया क्योंकि गलती का पता कब चला ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले यदि गलती का पता चलेगा ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद यदि गलती का पता चलेगा ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद तो क्या करेंगे लिख देंगे बी आर एंड बीपी बोथ अकाउंट विल बी सॉरी बीपी अकाउंट डेबिट बीपी अकाउंट डेबिट बी आर अकाउंट डेबिट बीपी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 3000 और 6000 यदि गलती का पता कब चलता हमें सस्पेंस अकाउंट बनाने के बाद ठीक है जी आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे गुड्स रिटर्न बाय मृदुल मृदुल ने गुड्स वापस किए हैं तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी फोर्थ पॉइंट की सेल्स रिटर्न डेबिट टू मृदुल 225 रुपए हाँ सर बिल्कुल सही बात हैव बीन एंटर्ड इन द एंटर्ड मतलब पूरी की पूरी एंट्री गलत कर दी कहां जाके एंट्री कर दी रिटर्न आउटवर्ड बुक में तो गलती से एंट्री कर दी होगी मृदुल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 225 सर सेल रिटर्न को डेबिट होना चाहिए था जो कि नहीं हुई तो अब सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दोगे 225 से मृदुल को क्रेडिट होना चाहिए था पर गलती से मृदुल डेबिट हो गया तो टू मृदुल अकाउंट 450 रुपए से क्रेडिट हो गया क्योंकि 225 से जो डेबिट हो गया गलती से उसको खत्म करने के लिए और 225 से सचमुच में क्रेडिट करने के लिए गॉट इट क्या आप सभी को मेरी इतनी बात समझ में आ रही है बेटा हाँ सर क्या परचेज रिटर्न को क्रेडिट होना चाहिए था बच्चे कह रहे नहीं सर तो सर हम परचेज रिटर्न को लागे क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे परचेज रिटर्न को लागे क्या कर देंगे मेरे बेटा परचेज रिटर्न को लागे क्या कर देंगे मेरे बेटा डेबिट कर देंगे क्या आपको इतनी बात क्लियर है क्या आप सभी को इतनी बात क्लियर है पक्का